हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिन स्टिचेस को हम यूज़ करते हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, वो कौन कौन सी होती है, किस तरह से दिखती है और उनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये हमारा NTNET GRF 2020 होम साइंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ के साथ CTS, CITS, ड्रेस मेकिंग, सुइंग टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज जो सर्फेस ऑर्नामेंटेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम ऑनलाइन आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो चल रहे हैं फॉर NTNET ऑल्सो और साथ के साथ CITS के एंट्रेंस के लिए भी, आप उस सब की भी सारी नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं और साथ के साथ हमें क्वेरी को मेल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी के बारे में। द स्टिचेज ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी, जो हाथ की एम्ब्रॉयडरी की स्टिचेज है वो किन किन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है, जैसे कि आउटलाइन, सरफेस वर्क, नॉट स्टिच, एजिंग, हेम स्टिच, फ्लावर स्टिच, साटन स्टिच, बटन होल, आईलेट स्टिचेज, क्रॉस और शेडो स्टिचेस। ये हमारी तरह तरह की हैंड एम्ब्रॉयडरी की स्टिचेस है जिससे हम क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। हाथ से हम नीडल और थ्रेड की मदद से कपड़े के ऊपर पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिचेज एंड देयर वेरिएशन, बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारी मतलब हमारी टाइप्स ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी है, उसके हैंड एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेज हैं और साथ के साथ उन्हीं स्टिचेज के अंदर जब हम थोड़ा सा हेयर फेयर, थोड़ी सी फेयर बदल कर देते हैं तो एक नई स्टिच आ जाती है। डिफरेंट डेकोरेटिव मटीरियल्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एनरिच द ब्यूटी ऑफ द एम्ब्रॉयडर्ड प्रोडक्ट्स। जो अलग अलग हमारे डेकोरेटिव मटीरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी हमारी एम्ब्रॉयडर्ड प्रोडक्ट है, जो भी अगर मेरे को हैंकी बनाना है, कोई टी शर्ट बनानी है, कोई बेडशीट बनानी है, कुशन कवर करना है, तो उसको हम क्या करें, उसकी ब्यूटी को एनहांस करें, एनरिच करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस के बारे में। ये दो तरह की होती है, एक तो फ्लैट स्टिच होती है और एक लूप स्टिच होती है, ठीक है। सो हैंड एम्ब्रॉयडरीज ऑफ टू टाइप्स, फ्लैट स्टिच और एंड लूप स्टिच। पहली फ्लैट स्टिच के बारे में बात करेंगे। ग्रुप और सिंगल एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस मेड विदाउट लूपिंग द थ्रेड, मतलब बिना लूप के जो हम एम्ब्रॉयडरी को बना लेते हैं, स्टिच को बना लेते हैं बिना थ्रेड के अंदर लूप दिए, ठीक है, बिना लूप क्रिएट किए, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट स्टिच। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट स्टिच भी कहा जाता है इस एम्ब्रॉयडरी को, इन स्टिचेस को। Used in straight or curved outline, sometimes so filling also. इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेट और कर्व्ड आउटलाइंस के लिए, सीधी आउटलाइन के लिए या फिर जो कर्व्ड मुड़ी हुई आउटलाइंस होती हैं, आर्क वाली शेप में होती है, उनके लिए। और कई बार इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, फिल करने के लिए, मतलब अंदर जो आउटलाइन के अंदर की जो जगह है, जैसे एक पत्ती बनी, पत्ती की आउटलाइन हुई, लीफ की आउटलाइन हुई और अंदर फिलिंग के लिए यूज़ किया गया। कौन कौन सी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं कुछ, एक रनिंग स्टिच, स्टेम स्टिच, बैक स्टिच, हेरिंग बोन स्टिच और क्रॉस स्टिच। सबसे पहले हम बात करते हैं रनिंग स्टिच के बारे में। रनिंग स्टिच कौन सी होती है, स्मॉल इवनली प्लेस्ड स्टिचेस, मतलब छोटे छोटे एक सार, कि कितना हमने धागा लेना है वो हमारा कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इसको हम दोनों कर्व्ड और स्ट्रेट डिजाइंस के ऊपर यूज करते हैं, लीव्स पे, पेटल्स पे, फ्लावर्स के पेटल्स पे इस्तेमाल करते हैं और ज्योमेट्रिकल कोई भी लेटर बनाने हमने, अल्फाबेट्स बनाने हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, ज्योमेट्रिकल या कर्व डिजाइंस के अंदर भी यूज करते हैं। जो साइज होता है स्टिचेस का, ठीक है, वो किस चीज से डिटरमाइन किया जाता है, कि हमारा फैब्रिक कितना थिक है, हमारे फैब्रिक का टेक्सचर कैसा है, वो स्मूथ है, कोरस है, उसका जो टेक्सचर ऊपर से जो सतह है हाथ लगाने के बाद वो किस तरह का है, ये हमें बताती है कि क्या साइज होना चाहिए स्टिचेस का। ये हम आउटलाइनिंग के लिए यूज करते हैं, आउटलाइनिंग मतलब किसी भी चीज की बाहर की रेखा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और जो लेंथ होती है वो किससे डिटरमाइन करती है, टाइप ऑफ डिजाइन, कि हमने आखिरी में उस मटेरियल को कहाँ पर इस्तेमाल करना है उसके बेसिस पे, या फिर हर एक पर्सन के अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बेस पे करती है। इस तरह की हमारी रनिंग स्टिच होती है। आप ये देख पा रहे होंगे कि जितना हमने यहाँ पर धागा लिया है उतना ही अगले स्टिच में भी लिया है और जो हमने जगह छोड़ी है वो भी हमारी क्या है, ईवन है। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि हमने इवनली ली है इन रनिंग स्टिच।
नेक्स्ट है हमारी बैक स्टिच। बैक स्टिच क्या होती है? इट फॉर्म्स द बेस लाइन फॉर डेकोरेटिव स्टिच। हमारी डेकोरेटिव स्टिच के लिए ये बेस लाइन है। इट इज़ नेसेसरी टू कीप द लाइन ऑफ द बैक स्टिच स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? कि जो हम बैक स्टिच की लाइन होती है उसको क्या रखें? सीधी रखें और साथ के साथ यूनिफॉर्म रखें। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक सार, एक जैसी ही रखें। जैसा हमने पहली स्टिच ली है वैसी हम अगली स्टिच भी लें साथ के साथ। ये किसी भी डिज़ाइन को फिनिश करने के लिए, उसको आउटलाइन देने के लिए बहुत ही अच्छी एक स्टिच कहलाई जाती है। और इस स्टिच के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता, बीच में आपस में कोई भी स्पेस नहीं होता, ठीक है। द रिवर्स साइड ऑफ दिस स्टिच अपीयर्स लाइक अ स्टैम्प स्टिच। देखो फ्रंट पे तो बैक स्टिच के हिसाब से लगेगी, लेकिन पीछे से मतलब कपड़े के दूसरी तरफ वो कैसे दिखती है? स्टैम्प स्टिच की तरह। स्टैम्प स्टिच हम अभी आगे करेंगे। बैक स्टिच के अंदर एम्ब्रॉयडरी इज डन फ्रॉम। बैक स्टिच में एम्ब्रॉयडरी कैसे होती है? राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। ये देखिए, ये हमारा बैक स्टिच। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? अब देखो आपने क्या करते थे पहले, जब भी हम अपनी कोई भी रनिंग स्टिच करते हैं तो हम बिल्कुल यहाँ से सुई को निकालते हैं और आगे डालते हैं, ऐसे आगे चलते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? सुई को यहाँ से निकाला और वापस यहाँ डाला, फिर यहाँ से निकाला, फिर यहाँ डाला, मतलब आगे से बढ़ के वापसी में लेके आते हैं इसको, ठीक है। इसको बैक स्टिच बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी स्प्लिट स्टिच। स्प्लिट स्टिच कौन सी होती है? ये एक सॉलिड थिक आउटलाइन बनाती है, साथ के साथ टेक्सचर और इफेक्ट्स को भी ऐड करती है हमारे डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। ये भी हमारी किस लिए यूज़ की जाती है? आउटलाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और साथ के साथ फिल करने के, अंदर के एरिया को भरने के लिए भी यूज़ की जाती है। जब उसको स्टिच करते हैं, इट इज़ स्टिच, तो नीडल को हम किस तरह से मूव करते हैं? नीडल हमारी स्टिच को स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट का मतलब क्या है? कि एक स्टिच है वो आपके दो भागों में बट जाते हैं। इस तरह से हमारी नीडल को घुमाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है? वेरिएशन है स्टैम्प स्टिच का। किस चीज़ का? अभी हमने बताया कि स्टैम्प स्टिच हम आगे करेंगे। स्टैम्प स्टिच का ही ये क्या है? वेरिएशन है, जिसके अंदर क्या होता है? नीडल पास होती है किससे? प्रीवियस स्टिच से, पिछली वाली स्टिच से। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, ये आपकी एक स्टिच है, ठीक है। ये किस में? दो भागों में बट रही है। फिर आपकी एक स्टिच है, दो भागों में बट रही है, और लेकिन है क्या? है आपस में इंटरकनेक्टेड, एक स्टैम्प की तरह शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी स्टैम्प स्टिच आती है, जो अभी हमने पीछे वेरिएशंस भी पढ़ी है इसकी। ये भी हमारे आउटलाइन देने के काम आता है, ठीक है। और इवन साइज्ड स्टिच होती है ये हमारी। ये नहीं है कि कोई स्टिच लंबी है तो कोई छोटी है, ये सारी स्टिचेस हमारी इवन साइज की होती है। दिस स्टिच इज यूज फॉर, ये स्टिचेस कहाँ यूज करते हैं हम? फ्लावर के लिए, स्टैम्प के लिए, आउटलाइन के लिए और सॉलिड लाइन बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी डिज़ाइन में। और ये सबसे ज़्यादा इजी और ज़्यादा ड्यूरेबल स्टिच कहलाई जाती है, ठीक है। मतलब कि ये जल्दी ख़राब नहीं होती हमारी स्टिच। इट इज़ मेड विद एनी काइंड ऑफ थ्रेड। इसको हम किसी भी धागे के साथ बना सकते हैं और इसका साइज़ भी हम वेरी कर सकते हैं। साइज़ वेरी का मतलब एक ही बार में वेरी नहीं करना, मतलब जब आप स्टिच कर रहे हैं तब आपको इवन ही रखना है, लेकिन आप कभी बड़ी भी और छोटी दोनों तरह से बना सकते हैं। जो फिनिश्ड एम्ब्रॉयडरी होती है वो किस तरह से लगती है? थिन लाइन की तरह लगती है सीधे हिस्से पे, ठीक है। और बैक साइड पे कैसे लगती है? बैक स्टिच। आपको याद है जब हमने बैक स्टिच की थी तो बैक स्टिच सीधे हिस्से पे तो बैक स्टिच लगती थी, लेकिन पिछले हिस्से पे कैसे लगती थी? स्टैम्प स्टिच। तो सेम एज स्टैम्प स्टिच, सीधे हिस्से पे स्टैम्प लगती है और उल्टे हिस्से पे बैक स्टिच लगती है, देखिए इस तरह की। नेक्स्ट हमारी क्रॉस स्टिच की बात करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग टू आर्म्स। दो आर्म्स को क्रॉस करके हमारी क्रॉस स्टिच बनती है। इसके अंदर एक सिंगल हम पहले क्या डायगनल स्टिच बनाते हैं। डायगनल स्टिच मतलब तिरछी एक स्टिच बनाते हैं और उसके बाद फिर दूसरी तरह उसको काटते हुए, उसको क्रॉस करते हुए हम राइट एंगल पर एक और स्टिच बनाते हैं। इसको हम किससे बनाते हैं? ब्लंट टेपेस्ट्री नीडल से, मतलब एक बड़ी बड़ी आई वाली नीडल से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोरस फैब्रिक के ऊपर, हार्ड फैब्रिक के ऊपर भी इसको, रफ फैब्रिक के ऊपर भी इजीली बनाते हैं ज्यादातर। जैसे अभी हम फैब्रिक्स के नाम भी आपको बताएंगे। और मोस्ट सूटेबल किसमें होता है? जिसमें वीव कर रखी हो और हमें पता चले कि वीव क्या हो। क्यों? क्योंकि इसको हम एक किस्म से आप वीव्स को गिन के भी क्रॉस स्टिच बनाते हैं ताकि क्रॉस आपका अप्रोप्रिएट बने। जैसे मैटी का फैब्रिक हो गया, केसमेंट हो गया, गिंगम हो गया, खादी, जूट और अलग अलग तरह के चेक्ड फैब्रिक्स पे हम क्रॉस स्टिच की एम्ब्रॉयडरी को बनाते हैं। देखिए आप, क्लियर सेम हो गया ना?
सेम तरह से हमने एक डायगनल स्टिच लगाई और उसके बाद क्रॉस करके दूसरी लगा दी। फिर आता है हमारा हैरिंग बोन स्टिच। हैरिंग बोन स्टिच क्या होती है? ये हमारी वेरिएशन होती है क्रॉस स्टिच की। देखिए ये क्रॉस स्टिच थी, इसी की वेरिएशन है हैरिंग बोन स्टिच। ठीक है, हैरिंग बोन स्टिच के अंदर क्या होता है, क्रॉस कहाँ कहाँ आते हैं, ऊपरली तरफ और निचली तरफ भी आती है। क्रॉस स्टिच के अंदर तो बीच में क्रॉस बनता है, लेकिन हैरिंग बोन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्रॉस बनता है। और बैक पे ये कैसी दिखती है स्टिच, विजिबल होती है, पैरलर रनिंग स्टिच की तरह दिखती है कि दो पैरलर रनिंग स्टिच चल रही हो। एम्ब्रॉयडरी, जब हम स्लाइट गैप ले आते हैं दोनों लाइंस के बीच में, ठीक है, एक साथ काम करते हुए, तो उसको क्लोज हैरिंग बोन बोलते हैं। और जब उसकी शेडो बनती है सेमी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक पे, तो रिवर्स में हम काम करते हैं, उसको हम शेडो वर्क बोलते हैं। क्या बताया था कि क्रॉस स्टिच तो बीच में क्रॉस बनाता है, लेकिन हैरिंग बोन स्टिच कहाँ बनाता है, ऊपर और नीचे की तरफ क्रॉस बनाता है। क्लियर? देन आता है काउचिंग स्टिच। काउचिंग स्टिच कौन सी होती है? ये सिंगल और मल्टीपल थ्रेड से बनती है। वायर्स और डेकोरेटिव मटेरियल को फैब्रिक के साथ रखा जाता है और डायगनल स्टिच से उसको स्टिच कर दिया जाता है। ये क्रिएट करती है थिक और थिन आउटलाइन। हमारी मर्जी है, हम उससे मोटी आउटलाइन भी बना सकते हैं और पतली आउटलाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, काउचिंग स्टिच कैन बी वर्कड ऑन आउटलाइन। ये हमारी आउटलाइन पे काम करती है और फिल करती है एरिया को। किस एरिया को? जो मटेरियल के साइड बाय साइड होता है और बाकी की एम्ब्रॉयडरी के एरिया को भी फिल करती है, कवर करती है। जैकेट्स, कुर्ताज, ड्रेसेस, शेरवानीज, इसके अंदर ये वाली स्टिच यूज़ की जाती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आती है हमारी साटन स्टिच। ये हमारे किस लिए काम आती है? सबसे पहली बात, ये हमारी फिल करने के काम आती है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमारी फ्लैट स्टिच किन किन काम आती है, आउटलाइनिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ी? आउटलाइनिंग के काम। अब साटन स्टिच की बात करते हैं। ये सिमिलर होती है, कैसे, दोनों तरफ सेम फैब्रिक के। जैसे हमारी बैक स्टिच या स्टेम स्टिच अलग अलग दिखती है आगे पीछे दोनों तरफ, साटन स्टिच आपके दोनों फ्रंट साइड और बैक साइड सेम विजिबल होती है। इट इज़ मेड बाई, इसको कैसे बनाते हैं, जब हम पैरलर या रेडिएटिंग स्टिच को बनाएंगे, मतलब हमने साथ के साथ स्टिच बनानी है बिना जगह छोड़े, ठीक है, तो क्या होगा, वो कंप्लीट डिज़ाइन को कवर कर लेगा। नैरो और स्मॉल साइज के फ्लोरल डिज़ाइंस, हमने पत्तियाँ बनाई, फूल बनाए, लीव्स बनाई, पेटल्स बनाई, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है। इसमें हम नियर, एक दूसरे के नियर क्लियर और नीट एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स को बनाते हैं और उसको हम आउटलाइन किससे करते हैं, रनिंग स्टिच से। एक एम्बोज्ड इफेक्ट देने के लिए टू द लेटर ऑफ द मोनोग्राम लाइनिंग इज यूज्ड बिनेथ द एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी के नीचे में थोड़ा उभरा हुआ दिखाने के लिए हम एम्ब्रॉयडरी के नीचे क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइनिंग को। साटिन स्टिच को हम मेनली एम्ब्रॉयडर्ड मोनोग्राम्स में यूज़ करते हैं और साथ के साथ इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, हैंकरचीफ, बैग्स, पिलो कवर, सोफ़ा बैक और चिल्ड्रन गारमेंट्स एंड साड़ीज़ के अंदर। ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पर तो इन्होंने ये तो चेन स्टिच से आउटलाइन दी है, हम चेन स्टिच से, रनिंग स्टिच से किसी से भी आउटलाइन दे सकते हैं, और अंदर इन्होंने बिल्कुल पास पास फिल कर रखा है। लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। लॉन्ग और शॉर्ट से हम नाम से समझ रहे हैं कि लंबी भी होगी और छोटी भी होगी। इसको हम कहाँ करते हैं, फ्लोरल डिज़ाइंस को भरने के लिए, बर्ड्स और एनिमल्स के पैटर्न्स को बनाने के लिए। एम्ब्रॉयडरी कहाँ की जाती है, अपर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन के ऊपरले हिस्से पे की जाती है। बिगनिंग के अंदर, शुरुआत के अंदर क्या किया जाता है, आउटलाइन की जाती है रनिंग स्टिच से और लाइट कलर से, ठीक है। बाद में हमें क्या करना होता है, फिल कर देते हैं हम लॉन्ग और शॉर्ट स्टिच से। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, एम्ब्रॉयडरी लोगोज के ऊपर, चिल्ड्रन गारमेंट पे, फोटो फ्रेम, वॉल पीस, साड़ीज, टेबल कवर, बेडशीट, पिलो कवर, सोफ़ा बैक्स, हैंकरचीफ, वुलन शॉल्स एट्सेट्रा। देख पा रहे हैं आप, ये आपने, ये लॉन्ग है और ये नीचे वाली आपकी शॉर्ट है, और बीच में आपने क्या है, ये आपकी लॉन्ग हो गई, ये शॉर्ट हो गई, ये लॉन्ग हो गई, शॉर्ट हो गई। तो देखो जहाँ पर अब आपकी नेक्स्ट जो आएगी ना, जहाँ शॉर्ट थी वहाँ पर लॉन्ग आएगी, और जहाँ पर लॉन्ग है वहाँ पर हम शॉर्ट स्टिच बनाएंगे। इस तरह से पूरे को हम कवर कर देते हैं। फिर आती है फिश बोन स्टिच। फिश बोन स्टिच क्या होती है, ये बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे ये बैक बोन हो फिश की, ठीक है, इस तरह की टाइप ऑफ। इसमें क्या करते हैं हम, इसको हम फ्लैट स्टिच भी कहते हैं और इसको हम फिलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इससे हम लीव्स बनाते हैं और फैदर्स को क्रिएट करते हैं।
जो वेन्स होती है लीव की वेन्स, देखिए कभी भी आप पत्ता देखोगे, लीफ देखोगे, तो आपको उसके अंदर वेन्स दिखेंगी जैसे हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो इसको वेन्स ऑफ द लीफ इज यूज एज अ सेंटर, उसको सेंटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और बाद में उसको लेफ्ट और राइट साइड से स्टिच किया जाता है। इसमें एक ही कलर का धागा लेकिन उस कलर के अंदर दो शेड्स हों उसको यूज किया जाता है ताकि रिजेंबलेंस आए, मीन्स थोड़ा सा उसके अंदर वेरिएशन दिखाई दे। चिल्ड्रंस के गारमेंट्स में बिब्स, फ्रॉक्स, योक्स, हैंकरचीफ, होम फर्निशिंग आइटम्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये उन्होंने बोला था ना वेन की तरह यूज़ करते हैं और साइडों में उसको फिल कर देते हैं लॉन्ग और इसको फिश बोन स्टिच को। नेक्स्ट आती है हमारी, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था हैंड एम्ब्रॉयडरी कितनी तरह की होती है हमारी, दो, एक तो फ्लैट स्टिच होती है, एक लूप स्टिच होती है। फ्लैट हम पढ़ चुके हैं, लूप स्टिच अब हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी स्टिच इन विच लूप आर फॉर्म्ड फॉर द एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। अब हमने एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड से क्या क्रिएट करना है, लूप क्रिएट करना है। अभी तक हमने लूप नहीं बनाया था, अभी तक हम एक तरफ अंदर डालते थे नीडल को, दूसरी तरफ से बाहर निकाल देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे चेन स्टिच के अंदर हम क्या करते हैं, लूप क्रिएट करते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप है हमारा लूप स्टिच का एग्जांपल चेन स्टिच, बाकी बटन होल स्टिच, ब्लैंकेट, फ्रेंच नॉट, वुलन एंड फ्लाई स्टिच, इसके बाकी वेरिएशंस हैं। चेन स्टिच की सबसे पहले हम बात करेंगे, ये किस लिए यूज़ की जाती है, एम्ब्रॉयडर्ड करने के लिए स्ट्रेट लाइंस को। और इसमें हम क्या करते हैं, लूप बनाते हैं ओवर द, और लूप के अंदर से ही हम नीडल को पास करते हैं, अपने यान को, अपने थ्रेड को पास कर देते हैं। इससे हम फ्लोरल डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स को भी बना सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम देखो सिंगल स्ट्रैंड लेंगे, मतलब सिंगल धागा लेंगे, तो ईजिली बन पाएगा। ज़्यादा अगर हम स्ट्रैंड्स लेने की कोशिश करेंगे तो गांठ लगने का, नॉट लगने का ज़्यादा रहता है। जब हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं स्टिच को, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टिच क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें भी क्लियर, इस तरह से देख पा रहे हैं आप, चेन की तरह है। इसको पिछली फ्लैट, आपको कई स्टिचेस ना फ्लैट स्टिच की तरह लगेगी, लेकिन ये ध्यान रखना वो हमने फ्लैट वे में बनाई थी। अब बोलोगे कि मैम ये तो स्प्लिट स्टिच है हमारी, लेकिन स्प्लिट नहीं है ये हमारी, हमने लूप बना के चेन क्रिएट की है। देन आता है हमारा लेजी डेजी। लेजी डेजी कैसा होता है, यूज टू एम्ब्रॉयडर्ड, इसको हम पेटल्स को, जो फूल की पत्तियां होती है वो बनाने के लिए, लीव्स बनाने के लिए, और स्मॉल लूप स्टिच को यूज़ करते हैं। जो एंड होती है लूप की, उससे हम क्या बनाते हैं, डेजी के पेटल्स बनाए जाते हैं। लेजी डेजी स्टिच एक वेरिएशन है हमारे चेन स्टिच का ही, जिसके अंदर जो साइज़ होता है थ्रेड का, उसको हमें कैसा बनाना होता है, जितनी हमें देखो बड़ी स्टिच, बड़ी पैटल बनानी है तो बड़ी स्टिच यूज़ करेंगे, छोटी बनानी है तो छोटी स्टिच यूज़ करेंगे। और दो कलर स्कीम्स को अगर हम यूज़ करेंगे, मतलब दो कलर के धागों को इस्तेमाल करेंगे, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितनी हमें पत्ती फ्लावर चाहिए था, उतना हमने लूप क्रिएट करी है। क्लियर। फिर आती है हमारी ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट स्टिच कैसी होती है, ये हमारी बटन होल स्टिच की तरह सिमिलर होती है। हम इसके बाद बटन होल स्टिच ही करने जा रहे हैं। इसको हम ब्लैंकेट के एजेस पे भी करते हैं, ठीक है, जो आपके कंबल होते हैं उसके साइडों में इसी को किया जाता है। क्यों, फिनिश करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल वे है, किस चीज़ के लिए, जितनी भी हेम, जो भी किनारी होती है उसको होल्ड करके रखता है और साथ के साथ उसको डेकोरेट भी कर देता है, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट और डायगनल लाइंस के अंदर यूज़ करते हैं और इसका वेरिएशन ब्लैंकेट स्टिच के अंदर आता है, प्रोड्यूस सम अट्रैक्टिव इफेक्ट। ब्लैंकेट स्टिच में हम इसके काफी ज्यादा वेरिएशंस को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से ब्लैंक स्टिच होता है। देन आता है हमारा बटन होल स्टिच। ये कैसा होता है, इसको हम फिनिश करते हैं अपने बटन होल्स को। बटन होल्स क्या होता है, आपके जब आप बटन जिसके अंदर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बटन होल बोलते हैं, और उसको हम साइडों से फिनिश करते हैं क्योंकि वहां से भी हमारे थ्रेड्स निकलते हैं कपड़े में से, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, बटन होल स्टिच। गेट इट, दिस स्टिच इज यूज टू, इसको हम क्यों यूज करते हैं, आउटलाइन बनाने के लिए, एजेस को फिनिश करने के लिए, और साथ के साथ एप्लीक्स को अप्लाई करने के लिए। एप्लीक्स के साइड में भी हम जो रफ एजेस रहते हैं उसको हम इसी स्टिच से फिनिश करते हैं। इट इज यूज फॉर अटैचिंग, इसको हम मिरर्स लगाने के काम भी लेके आते हैं। जब भी हमारे एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स बनते हैं उसके अंदर हमें अगर मिरर्स अटैच करने हैं तब भी हम इस स्टिच को यूज करते हैं। दो द बटन होल स्टिच कैन बी यूज इन एनी टाइप ऑफ डिजाइन, इसको किसी
किसी भी तरह के डिज़ाइन के अंदर यूज़ किया जाता है, फ्लोरल डिज़ाइन के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है। गुजरात और राजस्थान के अंदर जो मिरर वर्क होता है उसके अंदर इसी स्टिच को यूज़ किया जाता है। अगर आपको एम्ब्रॉयडरीज जाननी है कि इंडिया की एम्ब्रॉयडरीज कौन कौन सी है, तो आपको आई बटन के अंदर लिंक दिया है। इसके हमारे 5 पार्ट्स हैं एम्ब्रॉयडरीज के, जो ऑल ओवर इंडिया के हम लेके आए हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल इंडिया करके। आप सबको देखिए, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। इसको हम कॉर्नर्स को भी फिनिश करने के लिए यूज़ करते हैं, टेबल कवर, बेडशीट, सोफ़ा, साड़ी बॉर्डर, चेयर कवर्स, इन सब के लिए इस तरह के विजिबल होते हैं। देखिए, बीच में हम अगर मिरर रखना चाहें तो उसके बाद मिरर लगा के भी हम इसको फिनिश कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फैदर स्टिच। फैदर स्टिच क्या होता है? ये डबल लाइन और फ्लोरल डिजाइंस के लिए यूज किया जाता है। डबल लाइन डिजाइन स्टिच को हम क्या करते हैं, कुछ गैप्स के साथ लेके आते हैं। इन द फ्लोरल डिज़ाइन द स्टिच आर टेकन क्लोज टू ईच अदर। जब भी हम फ्लावर का कोई डिज़ाइन बनाते हैं, फ्लोरल डिज़ाइन बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टिच को काफ़ी ज़्यादा आपस में एक दूसरे के पास ले आते हैं और स्मॉल भी बनाते हैं उसके साइज़ में। सारी की सारी जो स्टिचेस होती है वो सेम डायरेक्शन में चलती है और इक्वली स्पेस्ड रहती है। स्टिचेस को मेनली यूज़ करते हैं हम हैंकरचीफ के लिए, बिब्स के लिए, साड़ी के बॉर्डर के लिए, नेक और स्लीव बॉर्डर्स के लिए। यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें हमने क्या किया है कि ये हमारा फैदर की तरह लग रहा है। ठीक है, फैदर ऐसे ही होता है ना, अगर आप इसकी आउटलाइन बनाओगे तो फैदर क्रिएट हो जाएगा, और इक्वल हैं ये सारे के सारे हमारे। देन है हमारा फ्लाई स्टिच। फ्लाई स्टिच क्या है? ये भी एक तरह का लूप स्टिच है, क्योंकि करी हम लूप स्टिच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, विंग्स आते हैं फ्लाई के, जिसको हम फ्लाई स्टिच बोलते हैं। ये वेरिएशन है हमारा लेंथ ऑफ द लूप के साथ, कि हम लंबे भी बना सकते हैं फ्लाई को और छोटे भी बना सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, सिंगल लूप विद अ थ्रेड एंड देन टैकल इट डाउन। एक सिंगल लूप बनाते हैं और उसके बाद उसको बाद में क्या करते हैं, टक कर देते हैं, टैकल कर देते हैं। और इससे हम क्या बनाते हैं, छोटे प्लांट्स, बर्ड्स और ग्रास, ये सब हम इससे बना सकते हैं इजीली, जैसा कि इसमें आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, ग्रास बन पा रही है। ठीक है, और बर्ड्स या कोई भी फ्लाइंग बर्ड्स बना सकते हैं हम इससे। फिर आता है हमारा फ्रेंच नॉट। फ्रेंच नॉट बहुत ही मेनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि कभी भी फ्लावर बनाओ तो बीच में हम फ्रेंच नॉट को ही यूज़ करते हैं। ये फेवरेट होती है सब एम्ब्रॉयडर्स की। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करते हैं, वो राउंड 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 करके एक रेज्ड इफेक्ट, एक ऊपर उठा हुआ उभरा हुआ इफेक्ट बना देते हैं। ये मेनली कहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो हम आइज़ के अंदर या फिर फ्लावर के सेंटर के लिए यूज़ करते हैं। इससे हम आउटलाइन फिगर्स की, बर्ड्स, एनिमल, फ्लावर, लीव्स को भी बना सकते हैं फ्रेंच नॉट से। और साथ में फ्रेंच नॉट और बुलन स्टिच जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। फ्रेंच नॉट को हम यूज करते हैं गारमेंट्स के अंदर, जैसे बिब्स, फ्रॉक, स्कर्ट्स के अंदर, और साथ के साथ हैंकरचीफ, पिलो कवर और बेडशीट्स के लिए भी यूज करते हैं। इस तरह का इफेक्ट आपको दिखता है फ्रेंच नॉट के साथ। बुलियन स्टिच की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये भी हमारा स्मॉल रोजेज़ को यूज़ करते हैं, स्मॉल रोजेज़ को एम्ब्रॉयडर्ड करने के लिए। और एज इट टेक इट्स नेम, अपनी नेम की तरह ही ये क्या होता है, हैवी ट्विस्टेड गोल्ड बुलियन बनाते हैं। फ्रिंजेस हो गए, टेसल्स हो गए, ठीक है, ऑर्नेट एम्ब्रॉयडरी अलग अलग तरह की जाती है। आप इसका जैसे ही डायग्राम देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। इससे हम क्या बनाते हैं, दो या उससे ज़्यादा शेड्स के रोज़ को भी क्रिएट करते हैं, लीव्स बनाते हैं, ट्विस्टेड ट्विस्ट करते हैं थ्रेड को तो लीव्स क्रिएट हो जाती है। होम फर्निशिंग, फ्रॉक, साड़ीज, बॉर्डर्स और हैंकरचीफ, कुर्तीज, इन सब के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारी बुलियन स्टिच। सो ये थे हमारे सारे के सारे स्टिचेस, जो हमारे डेकोरेटिव स्टिचेस कहलाई जाती है या एम्ब्रॉयडर्ड स्टिचेस कहलाई जाती है। होपफुली आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। हमारे से आप एनडीएनएट के सारे 10 यूनिट्स के नोट्स ले सकते हैं, साथ के साथ आप इंडिविजुअल भी नोट्स ले सकते हैं, अगर इनकेस आप सारे नोट्स नहीं लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं। और आप हमारी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सब यूनिट्स के लिए अवेलेबल हैं, एज वेल एज इंग्लिश एंड इन हिंदी बोथ। और CITS के एंट्रेंस के लिए भी हम लोग कोर्स लेके आए हुए हैं, जो ऑलरेडी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन KMS फैशन चैनल को। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।